सो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ क्वींस कॉलेज, गवर्नमेंट क्वींस कॉलेज में, जो बनारस का सबसे टॉप मोस्ट स्कूल्स में से एक है। आपका एक लगातार एक क्वेरी आ रहा था एनसीसी के बारे में जानकारी, वो भी क्वींस कॉलेज के बारे में। तो हियर आई एम विद सम स्टूडेंट्स, आप इनसे डायरेक्ट जान सकते हैं इनका क्या कहना है एनसीसी के ज्वाइनिंग के बारे में, कॉलेज के बारे में, स्कूल्स वगैरह के बारे में। आइए जानते हैं इन लोग से। सबसे पहले मैं प्रिंस यादव जी, जो इनके सीनियर मेंबर है, उनसे जानना चाहूँगा इसके बारे में कुछ है। कैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, क्या इसका क्राइटेरिया है, सेलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये खुद अपने आप से बताएंगे। सर प्लीज़, क्या बताऊँ एनसीसी के बारे में कुछ भी, कुछ भी। सेलेक्शन कैसे होता है? हाँ हाँ सेलेक्शन वगैरह कैसे होता है, कैसे इसका क्या स्टूडेंट वगैरह कैसे अपना ये करते हैं? हर साल यहाँ पे आता है वैकेंसी, 24 सीट रहती हैं। जी 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 आते लड़के 300 के लगभग, इसमें बस 24 लोग को सेलेक्ट करना रहता है। फिजिकल उजिकल होता है, दौड़ 1600 दौड़ना रहता है 5 मिनट में, फिर पुशअप, यही सब रहता है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम फिर देना पड़ता है, जो पास होते हैं वही 24 लोग को लिया जाता है। जूनियर जूनियर क्लास से ये सर सिस्टम हो जाता है या फिर आकर के आपको 8, 9, 10, 11, 12 ये सब? 8 से ये SD ये पुलिस वाला है, 9 से JD एयरफोर्स, और फिर 11 से SD आर्मी वाला। अच्छा। तो आइए इसी बारे में सिमिलरली सर सूर्यांश पांडे जी से जानना चाहेंगे। ही विल टेल अस समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। सर आप प्लीज़। सर एक्चुअली NCC जो है हमारे एयर विंग में क्वींस कॉलेज में क्लास 8 से ही बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट हमारे में फर्स्ट ईयर होता है, जो 8, 9 2 साल का होता है, जिसमें हमारा फर्स्ट ईयर का ए सर्टिफिकेट मिलता है। और इसे मतलब ज्वाइन करने के इसके काफ़ी एडवांटेजेस भी होते हैं, जो कि आपको आगे आपके करियर में काफ़ी सपोर्ट्स कर सकते हैं। लाइक अगर आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इससे आपको ना ही स्टार्टिंग नॉलेज मिलती है, इसके अलावा आपको फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, आपको मेंटली भी इसमें प्रेशर किया जाता है, ताकि आप उस चीज़ को अब्सॉर्ब कर सकें। तो अगर आप ये कर लेते हो और आप आगे किसी भी, आप फिलहाल टाइम में तो ये है कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें आपके एक ऑप्शन देता है कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है या नहीं। तो NCC का एक एडवांटेज ये भी है कि जब भी आप किसी फॉर्म को या किसी कॉलेज में अप्लाई करते हो, तो उसमें आपको एडवांटेज मिलते हैं, स्पेशली इन जब आप ग्रेजुएशन ईयर में अपने कंप्लीट करते हो। यहाँ पे NCC हम लोग को तो करीब, ये हम लोग का सेकेंड ईयर है, ये लास्ट होगा हम लोग के लिए, तो इसके बाद हम लोग तो पास आउट हो जाएंगे। हमारे जो लास्ट कैडेट होंगे, फिर हमारा ये वर्क ये होगा कि हम उनको गाइड करें कि वो अच्छे से करें इस चीज़ को। मैं सूर्यांश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, बहुत अच्छी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। अब मैं पूछना चाहूँगा शुभम कुमार जी से, ये क्या बताते हैं इसके बारे में, आइए जानते हैं इनके क्या विचार हैं। सर प्लीज़। सर NCC हम लोग की ज्वाइन होती है 8, 9 से, वो हम लोग का फर्स्ट ईयर होता है। इसमें हम लोग का फिजिकल और रिटर्न एग्ज़ाम होता है, जो उसमें सेलेक्ट होता है उसको NCC करने का मिलता है। उसके बाद हम लोग 10th में जाते हैं, तो हम लोग को BHU कैंप के लिए भेजा जाता है। उसके बाद हम लोग का रिटर्न एग्ज़ाम होता है, जिससे हम लोग का ए सर्टिफिकेट मिलता है। उस ए सर्टिफिकेट को पाने के बाद हम लोग का आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ से कनेक्टेड है गवर्नमेंट क्वींस इंटर कॉलेज से, या एयर के लिए जो करना चाहता है वो BHU से कनेक्ट हो सकता है। वहाँ पे उनका फिजिकल और रिटेन एग्ज़ाम दिया जाता है। यहाँ पे BHU से ट्रेनर्स आते हैं, जो हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं, और हमारे सीनियर्स जो हैं वो हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद 11th में जाने के बाद हम लोग का आर्मी में सेलेक्शन होता है, जिसमें 5 मिनट में 16 आर्मी NCC में होता है, जो हम लोग की JD की NCC है। 9th और 10th में वो जो है वो 2 20 2/9 JD 1/97 बटालियंस की NCC होती है, जो 9th 10th में की जाती है। उसके बाद 11th से हम लोग की SD NCC हो जाती है, जो आर्मी के लिए होती है। उसमें हम लोग का B सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच शुभम कुमार जी से बहुत अच्छी जानकारी मिली। और भी हमारे दोस्त हैं, इनसे जानना चाहेंगे और कुछ कोई बताना चाहेगा एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अभी एडमिशन चल रहा है यानी क्वींस कॉलेज एडमिशन चल रहा है यानी? अभी स्टॉप नहीं है सर, स्कूल का एडमिशन बंद होगा, उसके बाद होगा इसका एडमिशन। अच्छा। सर ए सर्टिफिकेट के लिए तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, पर इसके बाद जैसा आप जानते हैं कि बी सर्टिफिकेट के लिए
वो हम लोग BHU से अप्लाई कर सकते हैं। वो हमारा BHU के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं, वो एंट्रेंस के बाद जो एंट्रेंस ख़त्म होता है वहाँ से NCC के फॉर्म्स आते हैं, जिसके थ्रू हम लोग रिटेन एग्ज़ाम होता है, फिजिकल एग्ज़ाम होते हैं, जिसके बाद हम लोग NCC ज्वाइन करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट ईयर दो साल का होता है B सर्टिफिकेट के लिए, और थर्ड ईयर हमारा एक साल के लिए होता है, जो कि हमारा C सर्टिफिकेट कंप्लीट करवाता है, जिसके थ्रू अगर हम NDA वगैरह ज्वाइन करते हैं तो हमें डायरेक्ट एंट्री भी NCC के थ्रू मिलती है। तो एंड अगर NCC आप कंसर्न करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी एडवांटेजफुल होगा। थैंक यू सर। बस एयर के लिए यहाँ पे B नहीं है, बाकी आर्मी के लिए NCC का यहाँ पे B है, C के लिए आप विद्यापीठ से या BHU से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी से सर, यहाँ पे गर्ल्स NCC के लिए क्या सुविधाएं हैं? अगर गर्ल्स बॉयज कॉलेज है, इस वजह से यहाँ पे गर्ल्स अलाउड नहीं है, उनका सिलेक्शन डायरेक्ट यहाँ पे कटिंग मेमोरियल नदेसर पे है, उससे या डायरेक्ट BHU से हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी या तो BHU से या फिर कटिंग मेमोरियल नदेसर से है। एनी अदर यूनिवर्सिटी सर, बहुत से कॉलेज हैं, बहुत से कॉलेज हैं उनसे कनेक्टेड। जी हाँ, जी हाँ। सर, आप लोग और कुछ बताना चाहेंगे अपने कुछ स्कूल कैंपस? वैसे आज 15 अगस्त है, आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ है इंडिपेंडेंस डे का। मैं इनके अच्छे सभागार में प्रोग्राम चल रहा है, अभी प्रोग्राम चल रहा है, 15 अगस्त का ये टाइम है। मैं इनके अच्छे करियर के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ, होपफुली ये करियर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करें और इनका आने वाला करियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। जो भी यस सर, फिलहाल आज तो मेरा एक सजेशन ये होगा कि जो भी बच्चे अपने बेटर फ्यूचर के लिए अब शुरुआत से स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको NCC ज़रूर लेना चाहिए। काफ़ी जगह ये भी है, हमारे स्कूल में ये गवर्नमेंट स्कूल है इसीलिए यहाँ पे NCC की कोई फीस नहीं है, लेकिन काफ़ी जो CBSE बोर्ड्स, ICSE बोर्ड्स स्कूल हैं वहाँ पे NCC ज्वाइनिंग के लिए काफ़ी फ़ीस डिमांड भी हैं, जो कि एक तरह से देखा जाए तो वो लीगल नहीं है, आई थिंक। सो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ ज्वाइन अस, क्योंकि NCC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेटर फ्यूचर के लिए स्टार्टिंग करता है। और आप जानते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी ने इसको सब्जेक्ट वाइज किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको अभी अनिवार्य और कंपलसरी कर दिया गया है, कंपलसरी कर गया सारे स्कूल्स में, ये अलाउड है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अपने क्लास के हिसाब से ये अलाउड कर सकते हैं सारे, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने अभी तो ये गवर्नमेंट ने भी ये कंपलसरी कर दिया है, थोड़ा सा इसको करना है और बेटर फ्यूचर के लिए इसको स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं। इन लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सो जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके कोई और भी इंक्वायरी हो और भी कोई क्वेश्चन वगैरह करना चाहते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं इस समय क्वींस कॉलेज के कंपाउंड में हूँ, जो भी आपका क्वेश्चन हो रिलेटेड क्वींस कॉलेज एडमिशन प्रोसेस NCC तो आप कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे देश के जवान जो है इतने बड़े कलाकार हैं कि इनके हाथ में बहुत सारी आर्ट है। आइए देखते हैं, शुभम कुमार जी का बहुत शानदार परफॉर्मेंस गिटार पे प्ले हो रहा है, बेहतरीन, सुपर, आई थिंक सुपर। तो ये हमारे देश के भावी भविष्य हैं और ये हर तरह की कला में पारंगत है, प्रोलिफिक है और डेक्स्ट्रस है वो हर चीज़ों में, खूबसूरत, बेहतरीन। ओके ओके ओके, श्योर श्योर। बेहतरीन, खूबसूरत। मैं इनके करियर के लिए ऑल द बेस्ट करना चाहूँगा और मैं इनका शुभ आशीर्वाद देना चाहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।